हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है सिक्स सम से शुरू, क्योंकि हमने पांच सम हमारे कर लिए हैं। सिक्स सम में क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगनल्स इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगनल्स। उसने क्या दे रखा है, उसने ये बोला कि हमें फाइंड आउट करना है एरिया रोम्बस का और एक डायगनल का भी फाइंड आउट करना है। एक डायगनल उसने दे रखा है 8 सेंटीमीटर और रोम्बस की साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे रोम्बस। रोम्बस रोम्बस की जो साइड होती है वो सारी की सारी साइड क्या होती है, इक्वल होते हैं। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है। और जो वन डायगनल है वो दे रखा है उसने 8 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड क्या होता है, सामने वाले वर्टिस से जब भी हम कोई लाइन लगाते हैं और दूसरी रेखा पे वो 90 डिग्री एंगल पे कट करता है तो उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। एल्टीट्यूड को हम हाइट भी मान सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा 4.8 सेंटीमीटर। जब हमारे पास दोनों डायगनल्स नहीं होते हैं तो हम रोम्बस का जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, ये है एरिया इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। अब बेस हमारा क्या है 5 और हाइट क्या है 4.8, तो 5 × 4.8 इज इक्वल्स टू 5 × 8 = 40, 5 × 4 = 20 और 4 carry 24 cm². ठीक है, ये आ गया हमारा एरिया। अब हम इस एरिया के जरिए क्या कर सकते हैं, हमारा d1 × d2 का फॉर्मूला यूज करके सेकेंड डायगनल्स को हम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 24 cm², लेकिन ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/2 × d1 × d2 यही होता है इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, अब हमने पता है एक डायगनल हमारे पास है क्या है 8 × d2, हमने दूसरा निकालना है तो इसको हम कट करेंगे 2 × 4 = 8 और 4 × 6 = 24, तो जो d2 आया वो हमारा आया 6 सेंटीमीटर। तो हमने एक तो एरिया निकालना था और एक सेकंड डायगनल निकालना था, तो ये दोनों चीज हमारी आ गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम क्या दे रखा है, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप एंड ईच ऑफ इट्स डायगनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वेयर इज ₹4। ये कह रहा है कि कोई फ्लोर बनाया है हमने बिल्डिंग का और उसमें टाइल लगाई गई है, उन टाइल की संख्या है 3000 और वो जो टाइल है वो रोम्बस शेप्ड की है और हर एक टाइल का जो डायगनल है वो 45 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर की लंबाई है। अब उसने बोला है कि जो उस फ्लोर पे पॉलिश करने का जो खर्चा है वो पर मीटर स्क्वेयर ₹4 है, तो उसमें टोटल कितना पैसा लगेगा वो निकालना है हमें। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं। अब शुरू से अगर हम करें तो सेम वही चीज हम डायगनल्स सॉरी रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारी रोम्बस। अब इसने डायगनल्स दे रखे हैं, एक डायगनल ये है एक डायगनल ये है, एक की 45 है एक की 30 सेंटीमीटर में है ये। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या आता है हमारा 1/2 × d1 × d2, तो क्या आ जाएगा ये 1/2 × 45 × 30, 2 से अगर इसको काटेंगे तो ये आया 15, आंसर
15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 4 जा 60 और 7 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा एरिया। लेकिन ये कह रहा है कि टाइल दे रखी है, ठीक है, कितनी टाइल्स उसमें लगी हैं, 3000 टाइल्स। अब एरिया ये है और टोटल टाइल्स उतनी लगी हैं, ठीक है, तो सारा मिला के कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स उस एरिया पे कितनी टाइल लगानी पड़ेंगी, 675 मल्टीप्लाई 3000, तो क्या आ जाएगा ये हमारा, 35 जा 15 वन कैरी, 37 जा 21 और 1 22, 36 जा 18, 18 और 2 20, इतनी टाइल्स उसको, सॉरी इतना एरिया बन गया उसका। ठीक है, ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, लेकिन क्या कह रखा है कि मीटर पर स्क्वायर, ये है हमारा सेंटीमीटर में, हमें मीटर पर स्क्वायर में चेंज करना है। तो देखो, हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, मीन्स अपोन में आ जाएगा हमारा, अपोन में आ जाएगा, तो क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया। तो इसको अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, इसको रफ करके यही करते हैं, 2025 000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2025 000 बाय 40 मीटर स्क्वायर। 30 से 30 कट कर देंगे और ये जो 10 है इसके नाम का हम क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 202.5। लेकिन ये कह रहा है कि इसका जो कॉस्ट है वो है 4 रुपए पर मीटर स्क्वायर, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिश, या फिर लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा हमारा, 202.5 मल्टीप्लाई बाय 4। आंसर क्या आएगा हमारा, 4 5 जा 20 टू कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10 और 4 2 जा 8। अब इसमें यहाँ पे हमारा पॉइंट लग जाएगा, तो ये क्या हो गया, 810 रुपीज इसका आंसर आ गया। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट सम क्या है हमारा, मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। ये कह रहा है कि मोहन एक ट्रेपीजियम शेप का फील्ड खरीदना चाहता है, उसकी जो साइड है वो दो साइड लग रही है, एक साइड रिवर की तरफ है और एक साइड रोड की साइड है। तो ये कह रहा है कि जो रोड की साइड जो उसकी लेंथ है वो रिवर से क्या है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि जो रोड की साइड रिवर की साइड वाली जो साइड है उस फील्ड की वो डबल है रोड की साइड से। ठीक है, और बोल रहा है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका वो 100 मीटर है, तो हमें उसकी फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, रिवर की साइड जो उसकी लेंथ है वो हमें इसकी फाइंड आउट करनी है। देखो
क्या करेंगे इसमें हम, ये हमने ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लिया। पहले हम करेंगे ट्रेपीजियम ड्रॉ। ये है ट्रेपीजियम, ठीक है। इसकी जो हाइट है ये दे दी 100 मीटर। ये मान लिया हमने एक्स, क्योंकि ये दे तो रखा नहीं है, लेकिन ये कह रहा है ये साइड जो ये साइड है, ये साइड इस साइड से डबल है, मीन्स इसको एक्स मान लेंगे, इसको 2x मीटर, क्योंकि ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में मान लेते हैं हम, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, एरिया उसने दे रखा है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू कितना दे दिया, 10500 मीटर स्क्वेयर। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता क्या है, 1/2 × परपेंडिकुलर डिस्टेंस 100 इंटू पैरेलल साइड का सम ऑफ पैरेलल साइड, तो एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 10500। अब इसको कटेंगे तो 50, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या गया, 3x × 50 इज इक्वल टू 10500। यहां से इसको भी कट कर देंगे, 5 से इसको अगर काटेंगे तो 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 0। तो जो हमारी एक्स की वैल्यू आई, हमारी 3 × 7 = 21 = 70, ठीक है। लेकिन हमने निकालनी तो इसमें है, क्योंकि एक्स हमने क्या मान रखा है, एक तो रोड की साइड और एक रिवर की साइड। उसने बोला है रिवर की साइड की जो हमारी साइड है वो निकालनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रिवर साइड। तो हम क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर इज इक्वल्स टू 70 × 2 = 140 मीटर। बस यही हमने इसमें निकालना था, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। तो आज हमारे 6, 7 और 8 सम हो गए हैं, कल कर लेंगे हम 9, 10 और 11। तो कल हमारा ये कंप्लीट चैप्टर, सॉरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में, तब तक के थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।